सो हाय दोस्तों, टेक्नोरेक इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में iOS 11 का कंट्रोल पैनल कैसे ला सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नोरेक को और प्रेस करें उस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए सबसे पहले वीडियोस हमारे चैनल पर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे एक बटन में लेयर आ गई है। तो आप देख सकते हैं पूरा कंट्रोल पैनल वर्किंग है, कोई फेक वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल कंट्रोल पैनल वर्क कर रहा है। टॉर्च ऑन ऑफ हो रही है और सारे फंक्शन मैंने खुद चेक करे वर्क कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपली आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर पर जाके आपको iOS टाइप करना है और जो दूसरे नंबर पर आपको कंट्रोल पैनल सेंटर iOS 11 दिखेगा उसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ऐप को ओपन करना है और बस ऊपर से उसको सिर्फ सिंपली एक्टिवेट कर देना है। और आपको जो सेटिंग्स चेंज करनी है आप सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे साइज और जो कलर है और कलर ट्रांसपेरेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं। ये शो ऑन ऑपरेटिंग वाला भी ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे नॉच देख सकते हैं आपको ब्लू कलर का, आप उसकी कलर और साइज चेंज कर सकते हैं बिल्कुल अपने तरीके से। तो उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो आपका iOS 11 पैनल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको बहुत सारी सेटिंग्स भी मिल जाएगी जिसको आप चेंज कर सकते हैं और उसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँगा और लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।